नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच एक बार फिर एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में नीट परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 8 जुलाई को करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि अन्य सभी याचिकाओं के साथ ही 8 जुलाई को इस याचिका पर भी सुनवाई होगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए भी याचिका दायर की गई है। इस पर भी 8 जुलाई को ही सुनवाई होनी है। न्यायालय में दायर नई याचिकाओं में पेपर लीक की संभावनाओं का भी जिक्र किया गया है और साथ ही रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए गए हैं। और खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश जी। धर्म प्रकाश, नई याचिका में और क्या कुछ मांग याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई है और क्या मामला अब सीबीआई के पास जाता भी नजर आ रहा है? बिल्कुल नीतू, जहां तक याचिकाओं की बात है, पहले ही इस मामले में अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, वहां भी दायर की गई है। जो नई याचिकाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, 2 याचिकाएं नई दायर की गई हैं इस पूरे मामले को लेकर, नीट को लेकर। एक याचिका छात्रों की तरफ से दायर की गई है और दूसरी याचिका खुद एनटीए की तरफ से दायर की गई है। छात्रों की तरफ से जो नई याचिका दायर की गई है उसमें इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कोर्ट से की गई है और साथ ही साथ पेपर लीक की आशंकाओं का भी जिक्र इस याचिका में किया गया है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर्स का जिक्र किया गया है जहां पर आरोप है कि अलग अलग राज्यों से कुछ बच्चों ने जानबूझकर एक स्पेसिफिक सेंटर को चुना है एग्जाम के लिए और वहां पर पेपर लीक की आशंका है, ये जिक्र इस याचिका में किया गया है। दूसरी जो याचिका एनटीए की तरफ से दायर की गई है उसमें ये मांग एनटीए की तरफ से, जो टेस्टिंग एजेंसी है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से की गई है कि जितने भी केसेस हाईकोर्ट में दायर किए गए हैं, याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं अलग अलग राज्यों में, उन सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शिफ्ट किया जाए। 7 राज्य ऐसे हैं जहां के उच्च न्यायालयों में नीट परीक्षा के नतीजों के बाद अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी और अब एनटीए ने यह मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि इन उच्च न्यायालयों से, हाईकोर्ट से सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में ट्रांसफर किया जाए। इसकी वजह यह बताई गई है कि अगर हाईकोर्ट से किसी भी याचिका को लेकर कोई फैसला आता है तो बाकी याचिकाओं को लेकर, बाकी छात्रों में एनटीए और नीट को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है एक किसी भी फैसले की वजह से। इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले की सभी याचिकाओं को देखे और उस पर फैसला दे। ऐसे में आज जो सुनवाई हुई है इन खासकर इन 2 याचिकाओं पर, इस पर पहली जो सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने की, जो सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्तों का समय दिया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को और इन दोनों याचिकाओं पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होनी है क्योंकि 8 जुलाई को जो तमाम अन्य याचिकाएं हैं पूरे नीट एग्जाम को लेकर उन सब याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में जितनी भी याचिकाएं नीट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित पड़ी है उन सब याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। नीतू जी, धर्म प्रकाश, ऐसे भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हुए हैं। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या आधार इसको मान सकते हैं? क्या इस तरह के कोई सबूत अब तक सामने आए हैं? धर्म प्रकाश, देखिए सबूतों की जहां तक बात है तो जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ग्रेस मार्क्स को लेकर ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था क्योंकि ग्रेस मार्क्स जिन 1563 छात्रों को, छात्राओं को दिए गए थे उनकी वजह से पूरा जो टैली थी, जो मेरिट थी, वो सवालों के घेरे में आ गई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि 67 विद्यार्थी टॉप कर गए, 720 में से 720 नंबर ले गए और उसकी वजह से ये पूरा जो एग्जाम है, पूरा रिजल्ट है वो सुर्खियों में आ गया। तो गड़बड़ी की जहां तक बात है, गड़बड़ी के जहां तक आरोप है, पेपर लीक के जहां तक आरोप है, याचिका में भले ही ये जिक्र किया गया है लेकिन शिक्षा मंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही साथ एनटीए ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ग्रेस मार्क्स सिर्फ इसलिए दिए गए थे, एनटीए का ये पक्ष है कि तकनीकी गड़बड़ी, कहीं पर नेटवर्क डाउन या सर्वर डाउन होने की वजह से जो कुछ भी एग्जाम कंडक्ट करने में दिक्कत हुई थी उसकी वजह से उसको लेकर जो छात्रों को परेशानी हुई वहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और इससे इसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, परिणाम आए हैं, उनको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में ये आरोप जरूर लग रहे हैं कि पेपर में गड़बड़ी हो सकती है, पेपर लीक के भी आरोप लग रहे हैं जिस पर याचिका भी दायर हुई है और सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। हालांकि एनटीए और शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया गया है।